भाजपा के शासनकाल में कहने को तो महिलाओं को भयमुक्त माहौल दिया गया है, लेकिन भाजपा राज की यह पोल मेरठ में खुल गई है। यहाँ पर महिलाएं ना तो सड़कों पर सुरक्षित हैं और ना ही घर की चार दीवारी के भीतर। महिलाओं को घर के भीतर भी दबंग लोग चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। होली के बाद से एक युवती दबंगों के कहर का शिकार बन रही है। वह प्रतिदिन थाने जाकर दबंगों की शिकायत करती है, लेकिन उसकी शिकायत को पुलिस वाले अनसुना कर देते हैं। पीड़ित युवती ने पहले भी थाने में अपनी शिकायत की थी तो उसकी शिकायत पर थाने वाले उसे सलाह देते हैं कि अपना मकान बेचकर कहीं दूसरी जगह चली जाए। दबंगई से पीड़ित परिवार अधिकारियों के यह दर दर ठोकरे खाने को मजबूर है, मगर कहीं से भी कोई मदद के आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसा मानो मेरठ की पुलिस दबंगों के आगे नतमस्तक है। ये ताजा मामला थाना कंकरखेड़ा के न्यू नंदपुरी का है, जहां दबंगों ने घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ की। युवती ने जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने जबरन उसका मुंह खोलकर उसके मुंह में जहरीला पदार्थ डाल दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले भी दबंग युवती से छेड़छाड़ करते आए हैं, जिसके पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में शिकायत दी थी, मगर तब भी पुलिस से कोई मदद नहीं मिली थी। पुलिस की लापरवाही के चलते दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। दबंगों ने घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ करके मारपीट की। इतने से भी मन नहीं भरा तो युवती का जबरन मुंह खुलवाकर जहर पिला दिया। युवती की मां के शोर मचाने के बाद दबंग फरार हो गए। वहीं आनन फानन में युवती को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। युवती की हालत अभी भी गंभीर है। पीड़ित के पिता ने पुलिस से इसकी शिकायत की तो खाना पूर्ति करके वापस चली गई। युवती के पिता का कहना है कि दबंग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस किसी को भी हिरासत में लेने की हिम्मत नहीं कर रही। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए थाना कंकरखेड़ा भी गए, वहां से भी उन्हें भगा दिया गया। और अब महिला थाने आए तो यहाँ भी दूसरे थाने का मामला बताकर टरका दिया। अब पीड़ित परिवार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है, मगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि इस परिवार ने पहले भी दबंगों की शिकायत की है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की बात कहकर मुक्त हो गए। आपको बता दें कि पुलिस के इसी झुलमुल रवैये के चलते मेरठ के हस्तीनपुर थाना क्षेत्र में दबंगों के जरिए छेड़छाड़ से परेशान पूरे परिवार ने जहर पी लिया था, जिसमें दबंगों से पीड़ित महिला की मौत हो गई। तो वहीं मृतक महिला का पति और बेटी अभी भी अस्पताल में भर्ती है। जब इस परिवार ने यह कदम उठाया तब मेरठ पुलिस की नींद टूटी और दबंगों को हिरासत में लिया था। अब सवाल ये उठता है कि मेरठ पुलिस को फिर से उसी घटना का इंतजार रहेगा या अपने कर्तव्य को समझते हुए इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएगा। सर, एक कंकरखेड़ा क्षेत्र में जो है न्यू नंदपुरी कॉलोनी में कई लड़कियों को जहर पीने का मामला, क्या पूरा मामला? हाँ, ये उस मोहल्ले में इनके साथ जो है इस तरह की पूर्व में भी कई शिकायतें आई थी, दी गई थी, और ये शिकायत प्राप्त हुई है। इसकी जांच चल रही है और से कार्रवाई की जाएगी। सर, उन लोगों का मानना है कि होली से लेकर अब तक मनचले परेशान कर रहे हैं, आज भी घर में घुस जा रहे हैं। पहले की जांच सीओ साहब के द्वारा की गई थी, होली के समय की जो बात बताई जा रही है उसमें वाद विवाद हुआ था और जिसमें मोहल्ले के लोग काफ़ी रुष्ट थे। इनके द्वारा भी कुछ इस तरह की हरकत की गई थी, वो गलत पाया गया था, जिसकी भी जांच की जा रही है। गंभीरता से जांच करके जो भी नियमित कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें सर क्या जहर दिया या लड़की ने खुद खाया? ये मैंने कहा जैसा आपको कि नियमित जांच करके कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज हो गया? अभी नहीं दर्ज हुआ है। तथ्यों को देखकर किसी का हैरेसमेंट भी नहीं होना चाहिए।